गाइस, क्या हालचाल आप सबका। तो ये है मेरा कॉलेज का फेयरवेल डे। एक्चुअली बातचीत करते करते 3 साल बीत गया और फेयरवेल डे भी आ चुका है। आज है हमारा फेयरवेल, तो बड़ी दुख के साथ हम जा रहे हैं कॉलेज क्योंकि गाड़ी नहीं मिली और बहुत टाइम रुक गए थे और इसकी वजह से देर भी हो चुका था। तो किसी तरह सब लोग पहुंच चुके थे एंड किसी तरह मैं भी पहुंच चुकी थी डिपार्टमेंट। एंड डिपार्टमेंट में मेरी एंट्री होने के बाद शुरू हो चुकी थी जो प्रोग्राम। तो मैम ने पहले जो स्टार्टिंग हुआ तो हमारी HOD ने किया एंड शी इज़ द वन, आई लव हर अ लॉट। फिर यहाँ पे आ चुकी हमारी बोनोश्री मैम एंड एंकरिंग पहले तो मैं करती थी, जबकि मैं अब जा रही हूँ तो इस बार नैना को दिया गया। और आई थिंक लास्ट फेयरवेल मैंने ही जो एंकर किया था एंड शायद नेक्स्ट ईयर तक नैना को ही करना पड़ेगा क्योंकि नैना भी अब 4th semester में है। तो उसके बाद हमारे कॉलेज की सबसे ओल्ड सोल मिनी देवी मैम ने एक पोएम लिखा हमें, हम सबके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से, मतलब किस तरह से हमने डिग्री पास किया, उसके बाद हमें क्या करना है, उससे मिलाकर उन्होंने एक कविता रचा और उन्होंने वो कविता बड़ी सुंदरता से हमारे सामने मतलब गा के सुनाए। तो जबकि मिनिमम के साथ हमारा कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी, बट शी इज़ द ओल्ड सोल ऑफ कॉलेज एंड कुछ बातें उनकी थोड़ी प्रैक्टिकल है, सो आई लव हर। तो उसके बाद हमारी 2nd semester की एक बच्ची की डांस परफॉर्मेंस थी, तो उसने कुछ रिमिक्स गाने पे डांस किया एंड वी लव हर बिकॉज हमारे बाद शायद उन लोगों को ही डांस प्रोग्राम जो होते हैं वो आगे ले जाना है। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डांस किया। डांस करने की बात मेरी भी थी बट मैं थोड़ा ब्रोक हो चुकी थी क्योंकि लास्ट डे है तो नहीं नाची। तो उसके बाद हमारी मेरी फेवरेट सर नूरुल सर ने कुछ हमें इंटीग्रेट करके हमें कुछ बोला। उसके बाद वन ऑफ द फेवरेट मैम बनश्री देवी मैम, उन्होंने हमें इंक्लूड करके एक कविता रचा रात को ही। तो उन्होंने वो कविता हमारे सामने गाया और वो कविता गाते गाते वो भी रो दिए और हम लोगों ने भी रोए। एंड 2 दिन पहले से मैम ने मुझे कॉल किया 1 घंटे तक रोना धोना। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक इट्स ओके मैम, मैं मतलब हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हूँ बट या जा रही हूँ। आपको शायद डिपार्टमेंट में वो संगीता फील नहीं होगा बट जा रही हूँ। तो उसके बाद 4th semester की एक बहन ने प्रिया दर्शना ने थोड़ा डांस किया क्योंकि दे आर ऑल डांसर्स, तो उन लोगों ने थोड़ा डांस किया एंड वो बोल रही थी, मतलब बोल रहे थे कि डांस का जब टाइम आएगा दे विल मिस मी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जो परफॉर्मेंस दिया बिहू का उसके साथ किया। तो या तो उसके बाद मोनालिसा ने एक अच्छी तरह से कविता रचा, मतलब मोनालिसा ने नहीं रचा था, किसी और की रचा हुआ के भी कविता मोनालिसा ने रिसाइट किया क्योंकि मोनालिसा कॉलेज की क्वीन थी रेसिटेशन में। तो मोनालिसा ने सुंदर तरीके से एक कविता को रिसाइट किया और एंड वी लव इट बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम अबाउट हर रेसिटेशन ऑफ कॉलेज। तो उसके बाद हमने किया थोड़ा लंच एंड दे सेट की दीदी ये हमारा लास्ट लंच टुगेदर वाला है। तो नैना ने कुछ हमारे बारे में बताया। उसके बाद फंक्शन हो चुका था ख़त्म, सब चले गए थे एंड लड़के लोगों का डांस शुरू हो चुका था क्योंकि कॉलेज में बॉक्स अलाउड नहीं था तो इसके वजह से उन लोगों ने मोबाइल में ही गाना बजा के डांस किया। उसके बाद नैना की जो बच्चों वाली हरकत है वो भी दिखाया मैंने। तो उसके बाद हमने लिए ग्रुप सेल्फीज एंड फोटोज़। उसके बाद मोनालिसा का एक कंप्लेंट हमेशा रहता है कि तेरी ब्लॉग में हर कोई आता है मैं नहीं आती हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है तो पोज मार, मैं तेरी वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगी। तो उसने बोला ओके चल। तो देखिए ये पोज दे रही है महाशया। उसके बाद आ चुकी है हमारी ब्यूटी क्वीन पंखी देवी। तो पंखी का क्लिप, छोटा मोटा क्लिप लेते हुए ऋतुपर्णा के पिंपल पे ऊपर मेरा नज़र पड़ा। और उसके बाद इस देवी ने जो ईयर रिंग्स लिए वो भी दिखाया वीडियो में। उस साइड पे जुनमुनि लोग फोटो खींच रहे थे। उसके बाद दिया ने बोला हाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉलेज। 3 साल में दिया ने इस बार हाई बोला। उसके बाद सुमित्रा की पागलपंती, फिर हमारी गर्ल्स की जो पोजेस सेशन, उन लोगों का सिंगल फोटो खिंचवाना ग्रुप में, सब मैंने करवा दिया क्योंकि उन लोगों को मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ मेरे सिवाय मुझे पसंद नहीं है मेरा कैमरा क्योंकि बहुत ब्यूटीफाइड हो जाता है। उसके बाद मैम के साथ थोड़ा कथुप कथन होने के बाद क्योंकि मैं MA के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही, तो गाली खाने के बाद हम चले, मैं फिर से डिपार्टमेंट गई तो सब लोगों ने अपना पैकिंग कर लिया था। पैकिंग करने के बाद मैंने जुर्मुनि भैया को बोला चलो आज लास्ट है, आज छोड़ दो मुझे। तो थोड़ा कानपुर घूमा, मतलब घूमे हम दोनों क्योंकि मुझे लेना था प्रसाद गोपाल के लिए। तो मैंने चला एक मिठाई की दुकान पे चलता है, तुम भी कुछ खा लेना क्योंकि आज लास्ट है। फिर जुर्मुनि भैया ने कुछ नहीं खाया पर मैंने ले लिया था एंड दिस इज़ द लास्ट राइड इन कॉलेज डेज। और मुझे टैग मिला था मिस ऑलराउंडर का एंड पता नहीं कितनी ऑलराउंडर हूँ।